क्षण में राम, हर तन में, हर मन में, कण कण में राम। पल पल में, युग युग में, हर क्षण में राम, हर तन में, हर मन में, कण कण में राम। बता दें और बड़ी खबर ये कि सेना के हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। वही पुष्प वर्षा जो कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद होनी है और वो पुष्प वर्षा अभी से की जा रही है। पुष्प वर्षा चल रही है इस वक्त हेलीकॉप्टर से राम मंदिर के ऊपर। राम मंदिर के क्या है, राम मंदिर के ऊपर बड़े खुशी की बात है कि जब राम जी के प्राण प्रतिष्ठा होगा तब फूल की वर्षा होगा। अभी से हो रही है फूलों की वर्षा, आर्मी के हेलीकॉप्टर फूल बरसा रहे हैं। आर्मी का हेलीकॉप्टर का फूल बरसा रहे हैं। कितनी खुशी है आज प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। बहुत खुशी है बड़ा संसार में, दुनिया संसार में बहुत खुशी है कि राम जी का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। बहुत खुशी की बात है, राम मय का सिया राम मय सब जानी करो प्राण जोड़ी चुकवानी, सब खुशी है, संसार भर खुशी है, बहुत खुशी की बात है। एक बात बताइए, आपको सर्दी नहीं लग रही? यहाँ पर बहुत ठंड है। सर्दी है क्या है, सर्दी भगवान कृपा है, बुद्धि चाहते हैं और क्या है कि भगवान कृपा होता है ठंडी नहीं लगता। बोल दीजिए कुछ सियावर रामचंद्र के लिए। जय श्री राम, जय राम, जय राम श्री राम, जय राम, जय राम श्री राम, जय राम, जय राम। ठीक है, अब हम आपको नहीं रोकेंगे क्योंकि मैंने आपको बीच से बुलाया, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो खास बात ये, आर्मी के हेलीकॉप्टर इस वक्त फूल बरसा रहे हैं, पुष्प वर्षा की जा रही है और ऐसी पुष्प वर्षा देखने को मिलेगी जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। पुष्प वर्षा जो कावड़ियों पर भी की गई, पुष्प वर्षा जो खास ऐसे ही मौकों पर की जाती है, लेकिन ये तो 500 साल का लंबा संघर्ष है, ये तो एक इतिहास है जो आज हमेशा हमेशा के लिए तारीख में दर्ज होगा। तो भला रामलला के आगमन का स्वागत भी उसी तरह होना चाहिए, सुगंधों से भरा होना चाहिए, रंगों से भरा होना चाहिए, भजनों से भरा होना चाहिए और सबसे बड़ी बात भावनाओं से भरा होना चाहिए। ये भी एक भावना है पुष्प वर्षा, आर्मी के हेलीकॉप्टर्स श्री राम मंदिर पर फूल बरसा रहे हैं। और फिलहाल रुक करते हैं, हमारे सहयोगी संकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ऐसी जगह पर हैं जहां पर लगातार वीवीआईपी मूवमेंट बना हुआ है। संकेत, क्या अपडेट देना चाहेंगे आप? बिल्कुल आसान दिखाएंगे, ये बसें हैं, इनमें आप देख सकते हैं साधु संतों को और जो आमंत्रित लोग हैं उनको ले जाया जा रहा है। उत्साहित भी हैं लोग, वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पर लाइव कर रहे हैं। ये तमाम जो लोग हैं वो जा रहे हैं राम जन्मभूमि की तरफ और ये साधु संतों के अलावा जो भी विशिष्ट अतिथि हैं, हेमा मालिनी अभी कुछ देर पहले यहाँ से निकल कर गई हैं, वो भी विशिष्ट अतिथि हैं, मथुरा से सांसद हैं वो पहुंची हैं। इसके अलावा जो अलग अलग कांची के जो महामंडलेश्वर हैं वो पहुंचे हैं। और ये देखिए सुरक्षा व्यवस्था, ये यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है और ये पूरी तरीके से रास्ता कुछ देर बाद ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी कि पूरी कुछ देर बाद इसे ब्लॉक किया जाएगा। और ये जो गाड़ियां आप देख सकते हैं, अफसरों की गाड़ियां, अफसर लगातार इस रास्ते पर सुरक्षा के लिहाज से यहां पर लगातार कॉमिंग कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अफसर आप देख सकते हैं यहां पर जो इस क्षेत्र के कमिश्नर हैं वो भी यहां पर निकल रहे हैं और इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम है। लेकिन अभी कुछ देर पहले बसों से बाकायदा जो वहां पर विशिष्ट अतिथि जाएंगे उनको एक प्रसाद भी दिया जाएगा, एक बैग में दिया जाएगा प्रसाद, राम जन्मभूमि की उसमें प्रतीक होगा बाकायदा। और वो बसों में वो पूरा प्रसाद गया हुआ है इसी रास्ते से राम जन्मभूमि की तरफ, ये वो रास्ता है जो सीधे राम जन्मभूमि के पास पहुंचता है। और जो तमाम वीवीआईपी हैं आप देख सकते हैं उनके वाहन लगातार निकल रहे हैं और सभी को इस बात का उत्साह है कि रामलला के दर्शन होंगे तो यहाँ से जब घर वापस जाएंगे तो प्रसाद लेकर के जाएंगे। जो लोग यहाँ नहीं आ पाए, प्रसाद वो भोग है जो बांट करके खाना चाहिए, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचे उतना ही अच्छा माना जाता है और प्रसाद को लेकर भी एक अलग उत्साह। हमारे साथ आप देख रहे हैं राम की पैड़ी पर भी रौनक लगी हुई है, बहुत सारे संत समाज से जुड़े हुए लोग यहाँ पर भी हैं। भावनाओं को प्रकट करने का माध्यम सुर भी होते हैं, शब्द भी होते हैं,
तो कुछ हो जाए। बिल्कुल। अरे कि बजरंगीला खबरिया राम आए नगरिया, बजरंगीला खबरिया राम आए नगरिया, आए नगरिया राम आए नगरिया, आए नगरिया राम आए नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया राम आए नगरिया, बजरंगी आए नगरिया। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे।